तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज वीडियो में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि वायर किस तरह से पुल अप करते हैं और कलर कोडिंग क्या होती है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये फ़ैन बॉक्स है। यहाँ से हम क्या करेंगे कि एक तरफ से हम स्प्रिंग डालेंगे जो कर्टन स्प्रिंग होती है। मैं आपको दिखा दूंगा आगे वीडियो में कर्टन स्प्रिंग किस तरह की आती है या आपको कितना फिट चाहिए, वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। तो ये देखिए, हमने दूसरी तरफ से निकाल दिया स्प्रिंग और उसके बाद में हमें क्या करना है, जो हमारा वायर है उसको हमें टेप से लपेट देना है स्प्रिंग के ऊपर। आपको अच्छी तरह से स्प्रिंग के ऊपर लपेट देना है। जैसे कि मैं आपको अभी बता देता हूँ कि ये इलेक्ट्रिशियन, आप देख सकते हैं कि किस तरह से अच्छे से वो टेप लपेट रहे स्प्रिंग के साथ में। और फिर वो देखिए कि वो आप उसको घिस देंगे, जहाँ फैन बॉक्स है वहाँ से घिस देंगे। तो वो देखिए अभी वहाँ से घिस दे रहे, तो वो इस तरह से हमारा वायर यहाँ पर आ चुका है। तो अंडरग्राउंड में आप जब भी वायरिंग करेंगे तो आपको ध्यान देना है कि आप इस तरह की जो कॉटन स्प्रिंग होती है, यानी जो पर्दे वाली स्प्रिंग होती है, वो स्प्रिंग को आप यूज़ करेंगे। यानी स्प्रिंग हार्ड वाली स्प्रिंग होनी चाहिए, मुलायम स्प्रिंग नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, इस तरह से लचीली स्प्रिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो वायर बांध के उसको घिंच के रख दिया है, ठीक है। तो आपको भी इसी तरह से करना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास में ये क्या तीन चार कलर के वायर है। तो कौन से वायर है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, हमारे पास में 1.5 mm का वायर है, 1.5 mm का वायर है। और जो हमारे पास में जो देख सकते हैं कि हमारा अर्थिंग का भी एक वायर है उस पर। तो ये हमारी स्प्रिंग है। तो इस तरह की स्प्रिंग आपको यूज़ करना है। आपको हार्डवेयर में जाना है और हार्डवेयर से आपको कॉटन स्प्रिंग मंगना है, क्योंकि आप उसको मोड़ के देखिए स्प्रिंग को हार्डवेयर में। अगर आप हार्डवेयर में स्प्रिंग को मोड़ के देखते हैं तो अगर वो मुड़ जाते हैं तो वाले स्प्रिंग नहीं लेना है हमको, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास में ये जो रेड और ब्लैक वाला वायर है, हमारे पास ये 2.5 का, ये हमारा 2.5 की सर्किट है और 1.5 mm की सर्किट है। और एक हमारा पीला वायर जो है वो इन्वर्टर के लिए है, ठीक है। तो आप, मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ कि आप, मैं आपको आगे वीडियो में बता भी दूंगा कि किस तरह से वायर वहाँ पर यूज़ हुआ है और कौन से बोर्ड में आपको कौन सा वायर यूज़ करना, कौन से बोर्ड में आपको कौन सा वायर यूज़ करना है, ठीक है। मैं आपको वो भी आगे वीडियो में बता दूंगा। तो आपने, तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूँ वायरिंग के बारे में, मैं बात बता देता हूँ आपको कि कलर कोडिंग किस तरह से हमें करना है। तो अभी इसके पहले तो आपने देख लिया कि हमने वायर किस तरह से हम स्प्रिंग में बांधते हैं और फिर उसको हम किस तरह से पुल अप करते हैं, ठीक है। अभी तो मैं आपको कलर कोडिंग बता देता हूँ। तो ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कलर कोडिंग बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जो हमारे जो भी मेन बोर्ड है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक मेन बोर्ड है यहाँ पे और दूसरा मेन बोर्ड यहाँ पर है, ठीक है। तो इसके बाजू में दूसरा मेन बोर्ड है जिसमें इस पर भी वायर आ चुके हैं, ठीक है। तो मैं भी इसके बारे में भी आपको पूरा बताऊंगा और पूरे इस रूम की पूरी किस तरह से मैंने फिटिंग किया हूँ और ये वायरिंग किया हूँ, ये भी मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपके कलर कोडिंग यहाँ पर किस तरह से है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर जो जो हमारा सर्किट आया हुआ है वो 1.5 mm का सर्किट आया हुआ है, ठीक है। तो 1.5 mm के सर्किट में हम क्या करते हैं कि 1.5 mm के सर्किट में फ्लैश ऑन कर देता हूँ, ठीक है। 1.5 mm के सर्किट में क्या होता है कि सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सर्किट क्या होता है। सर्किट हमारा एक तरह का कॉम्बिनेशन होता है न्यूट्रल फेस और अर्थिंग का, ठीक है। न्यूट्रल फेस और अर्थिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें न्यूट्रल ब्लैक कलर का है, अर्थिंग ग्रीन कलर का है और फेस हमारा रेड कलर का है, ठीक है। और जो येलो वाला जो वायर है, हमने जहाँ पे भी हमारा मेन बोर्ड है वहाँ पर हमने क्या किया, येलो वायर हमने इन्वर्टर के लिए डाल के रखा हुआ है, ठीक है। तो इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर हमारी डीबी है, ठीक है। यहाँ पे हमारी डीबी लगी हुई है, तो ठीक है, हमारी डीबी लगी हुई है यहाँ पे। और कलर कोडिंग आपको पता चल गई कि हमारा जो सर्किट है वो हमारा किस कलर का है, ठीक है। फिर उसके बाद में आते हैं हम हमारे जो लाइट पॉइंट है, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ हमारे यहाँ पे कितने पॉइंट छोड़ के रखा है। यहाँ पे ये तीन रेड कलर के वायर आपको दिख रहे हैं, ये हमारे हाफ के वायर है, यानी कि लाइट पॉइंट के वायर है। फिर ये ब्लू कलर का वायर किसका है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ, ठीक है। तो मैं अभी वीडियो पीछे लेके जा रहा हूँ, कैमरा को पीछे लेके जा रहा हूँ, ठीक है, आपको बताने के लिए, ठीक है। तो हमारे वहाँ पे आपको देख रहे कि आपने तीन रेड कलर के थे वायर वहाँ पे। तो हमारा रेड कलर के तीन वायर कौन से मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये वाला एक पॉइंट का हाफ का ये वाला वायर है और दूसरा ऊपर में फैन जहाँ पे हमारे पैनल रहेगा लाइट, सीलिंग वाला लाइट उसका है। और फिर ये यहाँ पर आप देख सकते, तीसरा ये वाला हमारा तीसरा रेड कलर का वायर है, यानी कि हमारे एक, ये दो और ये दूसरा तीन। तो हमारे रेड कलर के जो वायर है वो तीन यहाँ पर हो चुके हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ ये हमारा ब्लू कलर का वायर किस चीज़ का है, ठीक है। ये हमारे सिंगल कलर का ब्लू कलर का वायर है और फिर यहाँ पर डबल टेप मार के रखा हुआ है दो ब्लू कलर का वायर, ये भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये जो हमारा ब्लू कलर का वायर है,
ठीक है, आपको ये दिख रहा है सिंगल ब्लू कलर का वायर। तो हम मैं और एक बार पीछे लेके जाता हूँ वीडियो को, कैमरा को, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा ब्लू कलर का वायर है, तो ये हमारे फ़ैन के लिए है। ठीक है, फ़ैन के लिए हमेशा ब्लू कलर का वायर उपयोग में लेकर आते हैं, हम यूज़ करते हैं ब्लू कलर का वायर। ठीक है, तो आप ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा रहेगा लाइट। तो इसका जो ये आधा पोर्शन है हमारा, इस तरफ का जो कॉलम है उस तरफ पे उधर उधर पॉइंट दिया हुआ है, और इस तरफ कॉलम के इधर पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको किस तरह से, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से वायरिंग करते हैं। फिर हमारा बचा हुआ है ये दो कलर, ये हमारे सिंगल कलर में दो वायर लूपिंग के हमने यहाँ पे रखे हुए हैं। तो ये हमारा टू वे का है वायर, यानी कि अगर कोई फ़ैन को इधर से ऑपरेट करना चाहे तो यहाँ से ऑपरेट कर सकता है, या फिर ये बोर्ड से ऑपरेट करना चाहे तो इस बोर्ड से भी ऑपरेट कर सकता है। देखिए, हमने यहाँ पे डबल टेप मार के रखा हुआ है ब्लू कलर के वायर को भी, 1 mm का ब्लू कलर का वायर है। तो हम यहाँ पे जो फ़ैन रहेंगे उसको हम टू वे में देने वाले हैं। ठीक है, आपको ये तो समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से भी यहाँ पे हमने हमारा यहाँ पे देख सकते हैं 12 मॉडल का बोर्ड है, यहाँ पर 12 मॉडल का बोर्ड लगाया हुआ है, और इस पर भी हमने 1.5 mm का सर्किट दे रखा है, न्यूट्रल फेस अर्थिंग और हमारा एक इन्वर्टर। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने 4 वायर यहाँ पे हमारे हाफ के निकल चुके हैं। ठीक है, तो 4 वायर हाफ के क्यों निकले हुए ये भी मैं आपको बताता हूँ। टू वे का तो वायर आपको समझ गया कि टू वे का उस बोर्ड का है हमारा। ठीक है, तो ये 4 वायर हाफ के मैं आपको बताता हूँ कि ये कहाँ से निकला हुआ है हमारा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारा एक यहाँ पर है एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, और इसके बाहर में एक है हमारा चौथा पॉइंट। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट यहीं से ऑपरेट होने वाले हैं। तो हमारे 4 पॉइंट हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा आपको समझ गया होगा कि हमने मेन बोर्ड का हमने किस तरह से देके रखा हुआ है। तो उसके बाद में हम आते हैं हमारे टीवी के तरफ। तो टीवी ये देख रहे हैं आप, टीवी यहाँ पर, टीवी जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे हमने केबल का वायर यहाँ डाल के रखा हुआ है जो कि हमारे फ्लोर से जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर 1.5 mm का सर्किट डाल के रखा हुआ है टीवी के लिए। यहाँ पे हमने इन्वर्टर नहीं डाला हुआ, अगर हम यहाँ पे इन्वर्टर डालते हैं तो हमारी बैटरी सबसे ज़्यादा डिस्चार्ज हो सकती है, तो इसलिए हमने यहाँ पे टीवी में इन्वर्टर नहीं डाला हुआ है। यहाँ पे हमने RG6 का वायर डाला हुआ है जो कि हम इसको साधारण भाषा में टीवी केबल भी कहते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे टीवी केबल का वायर डाल दिया है, और उसके बाद में आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे 4 mm का वायर AC के लिए, तो यहाँ पे 4 mm का वो वायर यहाँ पे AC के लिए हमने डाल के रखा हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने 4 mm का वायर AC के लिए यहाँ पे डाल के रखा हुआ है। तो हमने इस पर सर्किट डाल के नहीं रखा हुआ है, तो हमारा जो भी AC यहाँ से ऑपरेट होगा तो इस बोर्ड में उसका पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी एक बोर्ड दे के रखा है, तो उसके लिए भी हम उसी से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम अभी आते हैं किचन की तरफ। तो अभी हम किचन की तरफ आते हैं, तो आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे किचन में फ्रिज रहेगा, तो फ्रिज के लिए हमने 2.5 mm का वायर यहाँ पे डाल के रखा हुआ है, यानी कि एक 2.5 की सर्किट हमने यहाँ पे डाल के रखा हुआ है जो कि है हमारी 2.5 mm की सर्किट, न्यूट्रल फेस और अर्थिंग यहाँ पे हमने डाल के रखा हुआ है। उसके बाद में आते हैं जो किचन का मेन बोर्ड है, किचन का जो मेन बोर्ड है वहाँ पर भी हमने एक सर्किट डाल के रखा हुआ है 1.5 mm का सर्किट जो कि हमारे न्यूट्रल फेस, अर्थिंग और इन्वर्टर है। तो यहाँ पे जहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो हमारा मेन बोर्ड है वहाँ पे हमने इन्वर्टर का पॉइंट डाल के रखा हुआ है। ठीक है, तो एक उस इन्वर्टर के पॉइंट पे हमारा जो भी रहेगा, एक फ़ैन रहेगा और एक हमारा लाइट रहेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं फिर यहाँ पे ब्लू कलर का यहाँ पे हमने हाफ देके रखा हुआ है। तो हमने क्या क्या किया, जो हमारा कॉमन वायर है हमने एक ही निकाला हुआ है, तो इतना लोड है नहीं, तो इसलिए हमने कॉमन वायर एक ही निकाला हुआ है। तो यहाँ पे हमारा चार हाफ के वायर है, चार हाफ के है यहाँ पे वायर, आप देख सकते हैं यहाँ पे चार हाफ के वायर है, 1, 2, 3 और ये 4, और फिर हमारा एक ब्लू कलर का वायर है जो कि हमारा फ़ैन का वायर है। ठीक है, आप चार हम मैं अभी रेड कलर के 4 वायर मैं आपको गिन के दिखा देता हूँ हमारे कौन कौन से रेड कलर के 4 वायर है यहाँ पे। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि वहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ये हमारा एक पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, और दूसरा पॉइंट हमारा इसके ऊपर में एक है, यानी कि जो हमारा एग्जॉस्ट फैन रहेगा वहाँ पर है, और एक यहाँ पे तीसरा पॉइंट, और उसके पीछे में चौथा पॉइंट। उसके बाद हम चलते हैं बेडरूम की तरफ, या हम बाथरूम की तरफ आते हैं। तो बाथरूम की तरफ हमने यहाँ पर देख सकते हैं कि 2.5 mm का सर्किट यहाँ पर उतार के रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर 2.5 का सर्किट है, और बाथरूम में हमारा गीजर रहने वाला है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर गीजर मैं दिखा देता हूँ आपको, ये हमारा गीजर का पॉइंट है यहाँ पर, गीजर का आप यहाँ पे निकाला हुआ है।
न्यूट्रल फेस और अर्थिंग, और भी दूसरा वायर ये जो है हमारा यहाँ पर एग्जॉस्ट रहेगा, तो उसके लिए हम यहाँ से जारी करके इधर डाल देंगे, ठीक है। तो और यहाँ पे एक हाफ का पॉइंट हमने देख रखा हुआ है, और एक हाफ का पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, और एक इस तरफ दिया हुआ है। अब मैं दिखा देता हूँ आपको, इस तरफ हमारा हाफ का पॉइंट है, ठीक है। तो एक दो और तीन वायर हमारे यहाँ पे आपको दिखनी चाहिए, ये चार हमारे हाफ के वायर यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में हम आते हैं इस तरफ जो हमारा बेडरूम है, तो बेडरूम के तरफ आप देख सकते हैं कि मैं हमारा मेन बोर्ड उस तरफ है। अगर आप कोई एंट्री करना चाहता है बाहर से अंदर में एंट्री करना चाहता है, तो हम पहले क्या करेंगे, अगर वो अंदर जाएगा तो यहाँ से, अगर बाहर से कोई अंदर एंट्री करना चाहता है तो बेडरूम के अंदर अंधेरा दिखेंगे, तो उसके लिए हमने क्या करके रखा कि यहाँ पर हमने टू वे का पॉइंट यहाँ पर बना के रख दिया। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने टू वे के लिए मैंने दो ब्लू कलर के और एक रेड कलर का वायर डाला, उसी में मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने ब्लू और रेड कलर का वायर उधर से आया है, ठीक है। तो ये हमारे तीन, ये देखिए ये हमारे ये वायर आ चुके हैं वहाँ से, ठीक है। और फिर उसके बाद में एक बोर्ड यहाँ पर है, इस पर भी हमने 1.5 mm का सर्किट डाल के रखा हुआ है। तो कलर कोडिंग आपको बताने का उद्देश्य ये है कि कलर कोडिंग के हिसाब से आप वायरिंग करते हैं पूरी, तो कोई भी इलेक्ट्रिशियन आता है अगर आपके पास में मेंटेनेंस के काम के लिए, तो वो आसानी से उस चीज़ को समझ पाए कि आपने कौन से कलर का वायर कहाँ डाला है, ठीक है। तो आपको भी इस तरह से वायरिंग करना है। और फिर आप देख सकते हैं कि जो हम, फिर मैं बता देता हूँ कि मैंने वो DB तक वायर कहाँ कहाँ से लेके गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ आसर हमारी झरी हुई है, ये दीवार से, फिर दीवार से हमारे सीलिंग पे आए हुए हैं, सीलिंग पे, सीलिंग से फिर यहाँ पे आए हुए, फिर यहाँ से झरी करके हमने पीछे यहाँ पर DB है हमारी, तो हमने यहाँ पे डीबी में हमने यहाँ पे वायर वहाँ से ला के रख दिया। फिर हमारे सीलिंग से होते हुए पूरी हमारी इस रूम से, इस बाथरूम की और ये हॉल की पूरी हमने सीलिंग से होते हुए यहाँ पर लेकर आया। फिर आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर जो हमारी डीबी लगी हुई है, यहाँ पे जो डीबी से हमने 4 mm का सर्किट जो हमारा नीचे गया हुआ मीटर के पास में, तो मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा ये DB है, इसके पीछे से हमने झरी किया हुआ है, तो यहाँ पर आया हुआ है। फिर ये हमारा जीना है, तो मैं जीने से किस तरह से लेके गया हूँ नीचे, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हम हमारा 4 mm का वायर यहाँ पर आ चुका है, ये देखिए हमारा 4 mm का वायर ये है, और यहाँ से हमारा सीधा नीचे गया। तो चलिए मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ, फिर नीचे के नीचे हम वीडियो को ख़त्म कर देंगे, चलो ठीक है। फिर ये देखिए नीचे का फ्लोर का भी इधर से चाया हुआ है वायर। तो फिर हमारा एक हमने क्या रखा है, जो RG6 है उसको हमने टेरिस पे लेके गया हुआ है, ठीक है। तो इसके बाजू में आप पाइप देख रहे हैं, तो इसी पाइप से हम लेके आए, तो यहाँ पे हमारा वायर आ चुका है, ठीक है। तो फिर इस फ्लोर का भी वायर हमारा इसी DB से आ चुका है, ये डब्बी से, तो नीचे गया हुआ है, ठीक है। तो हम भी उसके जाते हैं, और ये हमारा GGNA की वायरिंग का बोर्ड है यहाँ पे, ये देखिए हमारा यहाँ पे आ चुका है वायर, ये हमारा वायर इसका है ना, RG6 का वायर है इस फ्लोर का, ठीक है। तो हमारा इसी के बाजू में हमारा पाइप है, तो पाइप गया हुआ है नीचे, मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारा इधर से आ चुका है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं ये हमारा वायर आ चुका है यहाँ पर, और ये लगेगा हमारा यहाँ पर मीटर, ठीक है। हमारा मीटर यहाँ लगेगा, यहाँ पर लेकर आया। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये वायर जो हमारे ऊपर में जो बेल हमारी रहेंगी, यानी जो हमारे पानी की टंकी रहेंगी, वाटर टैंक सबसे ऊपर में, तो उसका बेल, ये इसका वायर हमने यहाँ पे ला के रखा हुआ है, ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और आपको और कौन सी वीडियो चाहिए वो भी हमें बताएं, और आपको क्या समझ में नहीं आ रहा इस वीडियो में, आपको जो कुछ भी समझ में नहीं आया आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, कि मैं हर एक को उसका जवाब देता हूँ कमेंट में, ठीक है। तो चलिए वीडियो को अभी बंद करते हैं यहीं पे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा।